हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित। गामा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, गामा फंक्शंस क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, ये एक तरह का डेफिनेट इंटीग्रल होता है और इसको गामा एन से डिनोट किया जाता है, जिसमें जो एन की वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ी होती है। ठीक है, मैथमेटिकली गामा एन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये गामा एन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो गामा एन जो है बेसिकली यहां पे क्या कर रहा है, एक डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा है। इट मींस कि ये एक एरिया शो कर रहा है ना, जैसा कि डेफिनेट इंटीग्रल से हम निकालते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट, गामा एन की ये छह प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें से पांच प्रॉपर्टी हम इसी लेक्चर में प्रूफ करने वाले। जिससे पहली प्रॉपर्टी क्या है, गामा वन इज इक्वल टू वन, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, विच कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल एन। हम इन सबको प्रूव भी करेंगे। गामा एन इज इक्वल टू जेड की पावर एन, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स, ई की पावर सॉरी एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। फिर गामा एन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से वन लॉग वन बाय वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर वन बाय एन डी वाई। लास्ट प्रॉपर्टी है गामा 1 बाय 2 कैन बी रिटन एज पाई। तो इसको एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, गामा 1 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करते हैं। तो हम हमारा गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है, गामा एन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एन की जगह क्या रखना है, 1। ये अपने आप में हिंट है। तो यहाँ पे आप इसको प्रूफ करने के लिए एन की जगह क्या रख देते हैं, 1। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे क्या आ जाएगा, गामा वन इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस वन डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक्स की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन। सो एक्स की पावर वन माइनस वन यानी जीरो, एक्स की पावर जीरो मतलब वन, ये इतना बच गया। अब ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, और इसकी लिमिट क्या है स्टूडेंट, जीरो से इन्फिनिटी। ये हम गामा वन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये माइनस वन को बाहर लिख लेते हैं, और अपर लिमिट क्या है, e की पावर x की जगह क्या रख देंगे, इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट क्या है, e की पावर माइनस x की जगह लोअर लिमिट क्या रख देंगे, जीरो। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस वन, ये ऐसा कैसा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, और e की पावर जीरो जो होता है वो होता है वन, तो माइनस वन। तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन। तो स्टूडेंट, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी गामा वन इज इक्वल टू क्या आ गया, वन, ये प्रूफ हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमें क्या प्रूफ करना है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। और हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो मैं देख सकता हूं मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एन प्लस वन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रख देता हूँ पुट एन इक्वल टू एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन प्लस वन गामा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन की जगह क्या आ जाएगा, एन प्लस वन एन की जगह, और ये माइनस वन, ये माइनस वन ऐसा कैसा डी एक्स। तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूं, इसको सेकंड फंक्शन। हमेशा आपको पता होगा एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डेफिनेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन डी एक्स को कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का काम कौन कर रहा है, एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स की पावर एन। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का काम कौन कर रहा है, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट के चलते हमारी जीरो से इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कौन है, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला dx। ठीक है स्टूडेंट, सो यहां पे x की पावर n e की पावर माइनस, की लिमिट क्या चल रही है स्टूडेंट, इसकी लिमिट चल रही है जीरो से इन्फिनिटी। सो e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस x अपॉन में माइनस वन, और इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी माइनस, ठीक है, x d बाय dx ऑफ x की पावर n करेंगे तो n x की पावर n माइनस वन। अगेन e की पावर माइनस एक्स का मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो वो कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, और यह वाला dx ऐसा का
ऐसा, ठीक है। तो ये माइनस वन बाहर जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो यहां पे मैं अपर लिमिट लगता हूं, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखता हूं, तो इन्फिनिटी की पावर एन और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में माइनस वन, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट एक्स की जगह जीरो, ई की पावर माइनस जीरो अपॉन में माइनस वन, ये लिमिट हमने रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इंटीग्रेशन यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये एन बाहर, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट ई की पावर इन्फिनिटी होता है जीरो, और जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, माइनस जीरो मल्टीप्लाई जीरो की पावर एन जीरो, तो जीरो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म तो जीरो होगी। तो मेरे पास क्या बच रहा है, बस एन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये तो मेरा गामा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, एन ऐसा कैसा, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं। स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे, इस पूरे को गामा एन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब स्टूडेंट ये जो गामा एन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस वन लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है गामा फाइव, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल फोर लिख सकते हैं। अगर आपके पास है गामा सेवन तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल सेवन, मतलब एक टर्म कम करके लिख सकते हैं। तो यहां पे एन टर्म है तो उसमें से एक कम कर ली, तो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो अब इस एन को अगर मैं अंदर ले जाऊं, इस एन को मैं अंदर ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल एन, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन। तो हमने ये दोनों ही प्रूफ कर दिया, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर टू प्रूफ होगी। थ्री पे आते हैं। अब स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, गामा एन कैन बी रिटन एज जेड की पावर एन इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो हम इसको भी सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन एन डी एक्स। अब स्टूडेंट यहां पे नोटिस करें, यहां पे ई की पावर माइनस जेड एक्स है जो प्रूफ करना है, और डेफिनेशन में ई की पावर क्या है, माइनस x। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, इस x के साथ एक z चाहिए, तो ये zx हो जाए। तो इस तरह का मुझे यहां पे जो है वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि ये e की पावर माइनस x क्या बन जाए, zx। तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट, लेट पुट हम पटकते हैं x इक्वल टू जेड वाई, ठीक है। मैं यहां पे x की जगह क्या रख देता हूं, जेड वाई। तो देखो आप, ये z में आ गया फंक्शन। तो स्टूडेंट यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx इक्वल टू z कांस्टेंट इज z, और y का क्या हो जाएगा, dy। अब यहां पे अगर मैं लिमिट रखूं x की जगह जीरो, तो y भी जीरो आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू जीरो तब y भी जीरो हो जाएगा। जब मैं x की जगह यहां पे इन्फिनिटी रखता हूं, जब मैं x की जगह यहां पे इन्फिनिटी रखता हूं, तो y भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं है। तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहां पे हमारे डेफिनेशन के अंदर, गामा एन इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, लिमिट में कोई चेंज नहीं है। अब ई की पावर माइनस, ई की पावर माइनस, एक्स की जगह क्या रख देंगे, जेड y। फिर x की जगह क्या रख दूं, अगेन यहां पे x की पावर n माइनस वन है, तो x की जगह पहले z y, और इसकी पावर क्या है, n माइनस वन, और स्टूडेंट dx की जगह क्या लिख दूं, z dy। तो e की पावर माइनस z y, और इसको पावर को स्प्लिट करते थे, z की पावर n माइनस वन, y की पावर n माइनस वन, z dy। ये z की पावर 1 और ये z की पावर n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो। तो यहां पे ये z की पावर 1 है तो इसमें ऐड कर दूंगा, और y की पावर n माइनस वन डी वाई, तो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे ये 1 से 1 कैंसिल, तो z की पावर n को मैं बाहर लिख लेता हूं। यहां पे क्या बचेगा, e की पावर माइनस जेड वाई, वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। तो आप ध्यान से देखिए तो स्टूडेंट हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। आप बस यहाँ पे y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दें। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन में आप जो है वेरिएबल्स को चेंज करने से इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं y इक्वल टू वापस x कर दूं तो क्या हो जाएगा, z की पावर n ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस z, y की जगह x, x की जगह n माइनस वन, और dx y की जगह क्या हो जाएगा, dx। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई स्टूडेंट, प्रूफ हो गई। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं, फोर्थ। तो स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी क्या है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से वन लॉग वन बाय वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई।
तो हम हमारी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, गामा एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें मुझे क्या चाहिए, लॉग वन बाय वाई और उसकी पावर क्या है एन माइनस वन, और डेफिनेशन में एन माइनस वन किसकी पावर है एक्स की। मतलब मैं एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, मैं एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ लॉग वन बाय वाई, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो प्रूफ करना है लॉग वन बाय वाई की पावर एन माइनस वन है, तो यहाँ पे n माइनस वन डेफिनेशन में किसकी पावर है x की, मतलब x की जगह हम क्या कर सकते हैं log 1 बाय वाई पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक हिंट हो गया, आप इसको देखें तो हम इसको ध्यान से क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log इधर जाएगा तो ये e की पावर x इज इक्वल टू 1 बाय वाई हो जाएगा, और अगर हम इसको ढंग से लिखना चाहें तो हम और क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन में e की पावर x, ठीक है, और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसका करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी वाई लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट्स की, तो मैं लिमिट यूज करने के लिए इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, इसका कर लेता हूं समझ में जल्दी आ जाएगा, तो मैं यहां पे इसका अगर इस्तेमाल करता हूं तो स्टूडेंट जब मैं x की लिमिट जीरो रखूंगा, ठीक है, जब यहां पे x की जगह जीरो रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, y वन आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, जब मैं यहां पे लोअर लिमिट x की जगह जीरो रखता हूं, फिर जब मैं x की जगह इन्फिनिटी रखता हूं, जब हम x की जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा जीरो, तो यहां पे दूसरी लिमिट मेरी क्या आने वाली है जीरो आने वाली है। यहां पे जैसे मैं इन्फिनिटी रखूंगा स्टूडेंट e की पावर इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगा वन अपॉन में इन्फिनिटी, और वन अपॉन में इन्फिनिटी को आप लगभग जीरो लिख सकते हैं, तो मेरी लिमिट क्या होगी, मेरी लोअर लिमिट होगी वन और अपर लिमिट क्या होगी जीरो। तो मैं सब्सटीट्यूशन शुरू करता हूं, मेरी डेफिनेशन में गामा एन इज इक्वल टू, तो मेरी लोअर लिमिट क्या आ चुकी है वन आ चुकी है, और मेरी अपर लिमिट क्या आ चुकी है जीरो आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, आप ध्यान से देखें ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं माइनस डी वाई लिख सकता हूं, और एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं लॉग वन बाय वाई, इस एक्स की जगह और इसकी पावर क्या है एन माइनस वन, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का डी वाई लिख सकते हैं। अब आप जानते होंगे मैं माइनस साइन हटा के इंटीग्रेशन के लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूं, तो माइनस साइन हटाऊंगा मैं यहां पे और लिमिट को क्या कर दूंगा जीरो से वन कर देता हूं लॉग वन बाय वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रूफ हो गया, ये देखिए आप देखें प्रूफ हो जाएगा, गामा एन को हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल था। अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी सुन, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, गामा एन प्लस वन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर वन बाय एन डी वाई। तो हम हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, गामा एन कैन बी रिटन एज जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे जो मुझे प्रूफ करना है उसमें ई की पावर मुझे क्या चाहिए माइनस वाई की पावर वन बाय एन, और यहां पे मेरे पास ई की पावर क्या है एक्स, तो मुझे एक्स की जगह क्या चाहिए y की पावर वन बाय एन चाहिए, तो मैं यही पुट इन कर देता हूं, मैं पुट यहां पे हमारा सबमिशन क्या हो जाएगा पुट एक्स की एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर वन बाय एन, ये मैं पुट कर देता हूं, ठीक है यही पुट करना है हमें, यहां पे एक्स की जगह क्या चाहिए वाई की पावर वन बाय एन, बस इससे मुझे हिंट मिल गई। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे अगर ये पावर को मैं उठा के इधर शिफ्ट कर दूं एक्स के ऊपर तो एक्स की पावर एन हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन dx और y का कितना हो जाएगा dy, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरे दो सब्सटीट्यूशन आ गए। लिमिट्स की बात करें तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, आप चेक कर लें यहां से भले ही, यहां पे जब मैं x की जगह जीरो रखूंगा तो y भी जीरो आ जाएगा, जब यहां मैं x की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो y भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम इस डेफिनेशन में वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट वाई की पावर वन बाय एन, ठीक है स्टूडेंट, ये e की जगह आ गया। अब x की पावर n माइनस वन डी एक्स, ध्यान से देखें x की पावर n माइनस वन डी एक्स, तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये n उठा के इधर ले आएंगे तो डी वाई अपॉन में n लिख सकते हैं, ये n को उठा के इधर ले जाते हैं तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में n,
अब इस n को उठा के मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो n गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1 बाय n dy। ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ होती हुई दिख रही है आपको। क्यों प्रूफ होती हुई दिख रही है? n गामा n को हम क्या लिख सकते हैं? गामा n प्लस n लिख सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी, और हमने प्रूफ भी करी है, तो हम यहां पे वही करने वाले हैं। n गामा n को क्या लिख सकते हैं? गामा n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1 बाय n dy। ये हो गया प्रूफ। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थैंक यू सो मच।